एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और करते हैं हम अपने ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कैटरीना कैफ और क्या नाम है उस बंदे का, विक्की कौशल की जो है वो शादी है। तो जहां वो शादी हो रही थी वो एक्चुअली चौथ का बरवाड़ा है। अब उसी को बरवाड़ा को ही हेरिटेज होटल का जो है हेरिटेज 5-स्टार होटल का नाम दे दिया गया है। तो हम आपको बताएंगे कि पहले जो बरवाड़ा हाउस था, बरवाड़ा चौथ का बरवाड़ा जो महल था या फोर्ट था, उसको कैसे रेनोवेट करके अभी 5-स्टार होटल में बनाया गया है। तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट इन्वाइटेड इन दैट मैरिज। तो हम लोग उस मैरिज में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पूरा व्यू हम लोग जो है वो देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, और जल्दी ही हम चौथ का बरवाड़ा पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां पे किस तरह का माहौल जो है अभी है, और पहले जो चौथ का बरवाड़ा जो था वो किस तरह का था। तो थोड़ा सा इंतज़ार, तब तक आप इंट्रो का मज़ा लीजिए, तब तक हम आपको चौथ का बरवाड़ा पहुँचाते हैं। दोस्तों, शादियों का मौसम आते ही राजस्थान हो जाता है गुलजार। दरअसल राजस्थान में ऐसे कई ऐतिहासिक महत्व रखने वाले किले, महल, कोठियाँ और हवेलियाँ हैं जो वेडिंग के लिए परफेक्ट है। देश की कई सेलिब्रिटी ने राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग करके यहाँ के कुछ शहरों जैसे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर आदि को बहुत पॉपुलर कर दिया है। मगर इस बार सवाई माधोपुर का नाम चर्चा में है। दरअसल यहाँ मशहूर सिक्स सेंस बरवाड़ा फोर्ट का नाम सुर्खियों में है। इसकी ही बड़ी वजह यह है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ यहाँ पर साथ फेरे लेंगे। तो गाइस, ये जो अभी आप देख पा रहे होंगे, ये फोर्ट का जो है वो पुराना दृश्य है। जो फोर्ट जो है वो इस तरह से हुआ करता था, वीरान बेजान, जहाँ पे सिक्स सेंस 5-स्टार होटल में अभी कन्वर्ट हो चुका है। इस किले का असली नाम चौथ का बरवाड़ा है। यह सवाई माधोपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। sixsense.com में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस किले के मालिक पृथ्वीराज सिंह हैं, जो कि बरवाड़ा परिवार के राजा मानसिंह के परिवार से हैं। पृथ्वीराज ने इस किले की एक भाग में शानदार भव्य होटल बनवाया है और इस होटल को सिक्स सेंस ग्रुप को लीज पर दिया गया है। इसीलिए इसे सिक्स सेंस बरवाड़ा फोर्ट कहा जाता है। यह होटल इसी वर्ष अक्टूबर मंथ में खुला है। इस होटल में आधुनिक सुख सुविधा की सारी व्यवस्था है। यहाँ आपके खाने पीने के साथ साथ बार, लाउंज, स्पा, फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल, किड्स क्लब आदि सभी कुछ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वालों को इस रॉयल फोर्ट का बहुत खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। पूरे होटल को शेखावाटी आर्ट से सजाया है और संवारा गया है। यहाँ आपको जगह जगह दीवारों पर
छतों पर पुराना आर्ट वर्क देखने को मिलेगा। इस होटल से मात्र 30 मिनट की दूरी पर रणथंबोर नेशनल टाइगर रिजर्व है। होटल की तरफ से विजिटर्स को सफारी पर भी ले जाया जाता है। आपको बता दें कि इस होटल में लगभग 100 कमरे हैं और एक रात इस होटल में रुकने का खर्चा करीबन 1,00,000 रुपए आता है। तो आप वो इन दृश्यों में देख पा रहे होंगे कि होटल जो है वो किस तरह का है, लग्जरीस होटल है। sixsense.com की माने तो यह किला लगभग 700 वर्ष पुराना है और इसे 14वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने बनवाया था। यह रणथंबोर राजवंश को बूंदी राजवंश की भी हिस्सा रह चुका है। बाद में यह किला राजावत राज्य वंश के राजा मानसिंह के पास चला गया था। इस किले में मेन बिल्डिंग में चौथ भवानी मंदिर है, जिसे पहाड़ पर 1100 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह मंदिर 145 वर्ष में महाराजा भीम सिंह चौहान ने बनवाया था। इसी मंदिर के नाम पर गांव का नाम चौथ पड़ा है। गांव को चौथ का बरवाड़ा कहा जाता है। यह मंदिर चौथ माता का है, इसे चोरू माता भी कहा जाता है। इस माता को पूजा चोरू और कंजर टाइवस के लोग करते हैं, मगर अब राजस्थान की मीणा कम्युनिटी के लोग भी चौथ माता की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चौथ माता की प्रतिमा महाराजा भीम सिंह के सपने में आई थी, मगर राजा सपने में हमेशा नज़रअंदाज कर देते थे। मगर एक बार जब रानी की जान पर बनाई, तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। और आपको बता दे, हर साल करवा चौथ पर गांव में चौथ का मेला लगता है। अगर दिल्ली से आपको चौथ का बरवाड़ा जाना है तो उदयपुर जाने वाली कुछ ट्रेन मिल जाएगी जो आपको सवाई माधोपुर उतार देगी। इसके बाद आप लोकल कन्वेंस के साथ स्थान पर पहुंच सकते हैं। इस किले को पूरा घूम सकते हैं। किले का कुछ भाग यात्रियों को घूमने के लिए भी खुला हुआ है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी और हम लोग मना रहे हैं उत्सव यहाँ पे। आप देखिए, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी का उत्सव जो है यहाँ भी जोर शोर से मनाया जा रहा है। जल्दी ही हम आपको दुल्हन से भी मिलाएंगे और दूल्हे से भी मिलाएंगे, तब तक मजा लीजिए। तो गाइस, फाइनली वो दिन आ चुका है जब विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी हो रही है। आप देख पा रहे होंगे झरोकों से विक्की कौशल और कैटरीना कैफ जो है वो जा रहे हैं। बड़ा ही राजसी जो लुक होता है उस वेडिंग को दिया गया है। विक्की कौशल को बिल्कुल राजकुमार की तरह सजाया गया है और कैटरीना कैफ ने जो है बहुत ही बेहतरीन और डिज़ाइनर वेश जो है वो पहना है। अतिथियों का जमावड़ा यहाँ पे लग चुका है और हर एक अतिथि को विशेष ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। तो सभी यहाँ पे शादी का जो है वो आनंद भरपूर ले रहे हैं। और ये फोटोग्राफ से आप देख पा रहे होंगे कि वरमाला भी हो चुकी है और फेरे भी हो चुके हैं। कैटरीना कैफ जो थी, अभी मिसेज विक्की कैटरीना कैफ में जो है वो बन चुकी है। तो अभी देखिए इनका रॉयल लुक जो है। ये चौथ के बरवाड़ा जो है या sixsense.com होटल जिसे कहा जाता है, उसी के अंदर इनकी शादी हुई है। ये होटल उतना फेमस नहीं है जितना कि उदयपुर और जयपुर और जोधपुर के होटल हुआ करते हैं, लेकिन पहला शादी का रॉयल फैमिली से रिलेटेड जो शादी हुई है वो पहली बार
इस रॉयल लुक महल को जो है वो दोबारा से सजाया गया है और आप देख पा रहे होंगे कि अतिथियों का किस तरह से जो है वो वेलकम किया जा रहा है। तो गाइस ये है अभी जो सजावट जिस तरह से करी गई है, महल को मानो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और एक दुल्हन जो है वो कैटरीना कैफ बनके और विक्की कौशल की अभी हो चुकी है। तो अभी ये जो फेरे अभी देख पा रहे होंगे, ये फेरे जो है वो फेरे हो रहे हैं। फेरों के बाद विक्की कौशल जो है अपने दोस्तों और परिवार से मिलते हुए, तो यही वो जगह है चौथ का बरवाड़ा जहाँ पर ये शादी हुई थी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।